अच्छा जी, आईटी बेसिकली इस पे ओरल कैविटी से लेकर आपका एजोफेगस, फेरेंक्स, एजोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक सब आ जाता है, अप टिल आपका रेक्टम, एनस, जहाँ से फूड एंटर होती है ओरल कैविटी से और एक्सक्रीट आउट होती है, वहाँ सब कुछ इसमें आ जाता है, ठीक है। अब ड्रग्स दैट आर रिलेटेड टू जीआईटी, उसमें ऐसी ड्रग्स जो के जीआईटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे वॉमिटिंग होती है, डोजिया होता है, और इसके अलावा अल्सर्स, स्टमक में एसिडिटी ज़्यादा होगी तो पेप्टिक अल्सर्स, फिर वो ड्यूडिनल अल्सर्स भी वही का एसिडिटी ज़्यादा होगी ड्यूडिनल अल्सर्स कॉज कर देगा, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। उसके अलावा डायरिया और कॉन्स्टिपेशन, एंटी डायरियल ड्रग्स देंगे डायरिया के लिए और कॉन्स्टिपेशन के लिए लेग्जेटिव देंगे। तो हमारे पास आज जो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे वो है स्टमक की एसिडिटी को जो ड्रग्स रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। हमारा जो स्टमक है वो उसकी एसिडिक इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो फूड हम लेते हैं वो डाइजेस्ट करता है स्टमक और फिर प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है एसिडिक इन्वायरमेंट में। तो अगर एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एच पेलोराई है जो वहाँ पर कॉलोनाइज कर देता है, वहाँ पर एग्जिस्ट कर जाता है उस एसिडिक इन्वायरमेंट को, तो उसको इरेडिकेट करने के लिए भी हम ड्रग्स लेते हैं ताकि वो वहाँ पर जो है उसको ख़त्म किया जाए बैक्टीरिया को। उसके अलावा ये है कि हमारे पास पांच ड्रग्स होती है इसकी बेसिकली जो ये काज करती है। आप लोग की स्ट्रेंथ कितनी है स्टूडेंट्स की? मैम इस टाइम 56 है। 76 अच्छा। अच्छा, फाइव ड्रग्स वो जो अफेक्ट करती है हमारे ड्रग्स अफेक्टिंग जी आई स्क्रीशंस, यानी जो पेप्टिक अल्सर्स हो गया, ड्यूडिनल अल्सर्स हो गया, इनके अंदर जो ड्रग्स लेंगे। देर आर फाइव टाइप्स ऑफ ड्रग्स दैट अफेक्ट द गैस्ट्रिक एसिड स्क्रीशंस एंड आर यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर्स, ठीक है। कौन कौन सी वो ड्रग्स है? आप लोगों को बोर्ड नजर आ रहा है? यस मैम, यस मैम आ रहा है। यस मैम, एक है हिस्टामिन, अच्छा हिस्टामिन जो ये हार्मोन होता है और ये जाकर हमारे स्टमक के, पहले तो ये देखे कि तीन तरह के सेल्स जो है ज्यादातर, एक जी सेल्स, एक पेराइटल सेल्स और एक चीफ सेल्स। ये जो पेराइटल सेल्स होते हैं वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स के ऊपर होते हैं, पेराइटल सेल्स के ऊपर। ठीक है, ये स्टमक के सेल्स है जिनके ऊपर जो है वो हिस्टामिन रिसेप्टर्स होते हैं। हिस्टामिन हार्मोन है, हिस्टामिन जाकर हिस्टामिन रिसेप्टर्स साथ बाइंड करता है और इनकरेज करता है HCl को कि वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो। तो इसलिए कि वो ना प्रोड्यूस हो हम हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स या एंटागोनिस्ट यूज़ करते हैं, ये हिस्टामिन को बाइंड नहीं होने देते हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ। हिस्टामिन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड नहीं होने देते हिस्टामिन रिसेप्टर्स साथ, ये ब्लॉक कर देते हैं उस बाइंडिंग को, खुद जाकर बाइंड होते हैं। तो इसकी वजह से जो है वो फिर हिस्टामिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता, और हिस्टामिन जो है वो क्या करता है कि वो आपकी प्रोडक्शन करता है इसकी HCl की, हेल्प आउट करता है, उसमें पॉजिटिव इफेक्ट होता है, HCl ज़्यादा करता है, इसलिए हम ये ड्रग यूज़ करते हैं हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। उसके अलावा और दूसरी होती है, ये नंबर वन है, दूसरी है एंट एसिड्स। मैम बोर्ड नजर नहीं आ रहा। मैम आपके पास स्लाइड्स नहीं?
बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहा मैम, नजर आ रहा है लेकिन वो ऊपर से नजर आ रहा मैम, बस वही लिखा हुआ आ रहा है, बैटल सेल्स से कैसे चलता है सिस्टम ही मैम, अब ज्यादा नीचे हो गया अब। यस मैम, कुछ क्लियर है अब। मैम आपके पास स्लाइड्स नहीं है? ऊपर करके लिख दूं फिर मैं आपको। अच्छा, एक तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स और दूसरी एंट एसिड्स है। एंट एसिड्स जो है ना, ये वीक बेसिस है जो कि एसिड निकलता जाएगा और ये उसको न्यूट्रलाइज करती रहेंगी ताकि एसिडिक इन्वायरमेंट हजम हो। ये वीक बेसिस है और इसके अंदर जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और ये सारे आ जाते हैं। ये जो है फिर जो है इनको जो स्टमक है उसको कोशिश करते हैं कि उस वहाँ एल्कलाइन इन्वायरमेंट हो जाए, उसको पीएच को इंक्रीज कर देते हैं। तीसरा हमारे पास है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। जो स्टमक होता है उसके वेब्रेट के ऊपर प्रोटॉन पंप लगे हुए होते हैं, उनका काम ये होता है कि प्रोटॉन को पंप करते हैं, यानी एच पॉजिटिव आइंस जो है उनको रिलीज करते हैं और क्लोरीन आइंस रिलीज होते हैं, मिलकर एच सी एल बना देते हैं। तो जो प्रोटॉन पंप है वो एच सी एल को इनकरेज करता है कि एच सी एल ज़्यादा से ज़्यादा बने। उसके लिए हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं, ऐसी प्रोटीन्स जो फॉस्फोरिलेट कर देती हैं वहाँ पर बाइंड हो जाती है ताकि ये काम अपना ना करे और एच सी एल की प्रोडक्शन कम से कम हो। कोई क्लियर है अभी तक थोड़ा बहुत कुछ? यस मैम जी, मैम क्लियर है। अच्छा, उसके अलावा एक आते हैं म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स। नंबर थ्री है, स्टमक के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती हैं जिनमें से इनर मोस्ट लेयर जो है वो म्यूकोसा है जो म्यूकस सेक्रीशन करेगी। जब म्यूकस ज्यादा से ज्यादा सीक्रेट होगा तो एसिडिक एनवायरनमेंट कम होती जाएगी। तो म्यूकस जो कुछ जब एसिडिक एनवायरनमेंट ज्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है कि वो म्यूकस म्यूकोसा के ऊपर वहां पर इंजरी कर देता है। तो ये हम कुछ म्यूकस म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स होते हैं ये देते हैं उसके ऊपर, ये जाकर वहाँ कोटिंग कर देते हैं ताकि अगर कोई डैमेज हो गया है तो मजीद डैमेज ना हो और जो डैमेज हो चुका है उसकी हीलिंग हो जाए। तो म्यूकोसल प्रोटेक्टेंट्स ये काम करते हैं, इसका मतलब कि म्यूकोसा लेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, नंबर फोर ड्रग है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो हार्मोन है और ये जो है ये इसका भी नेगेटिव इफेक्ट होता है, यानी ये एचसीएल को प्रोड्यूस नहीं होने देता। तो हम ऐसी ड्रग्स यूज करते हैं एनालॉग्स जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह काम करती है और वहां पर जाकर जो है वो एचसीएल प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है, एचसीएल की प्रोडक्शन नहीं होने देती। मैम ये फोर्थ वन ड्रग का नाम क्या बताया आपने? ये मेरे ख्याल में फाइव हो गए। एक तो हिस्टामिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, दूसरा एंट एसिड्स है, तीसरा जो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स मैंने बता दिया, लिखा नहीं है मैम, लिखा हुआ है म्यूकोसल के ऊपर, म्यूकोसल प्रोटेक्शन के ऊपर मैम, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जी ये लिखा हुआ है। आपका एचसीएल की प्रोडक्शन को, तो हम ऐसी ड्रग्स देते हैं जिनका
प्रोस्टाग्लैंडिन्स एनालॉग्स प्रोस्टाग्लैंडिन जैसा वो इफेक्ट काज करती है। अच्छा हमारे सेल्स जो है वो चीफ सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं और जी सेल्स होते हैं। जी सेल्स जो है ये गैस्ट्रिक प्रोडक्शन करते हैं। जी सेल, पेराइटल सेल, मैडम बोर्ड नजर नहीं आ रहा आपका, ये वाला जो लिख रही हैं आप साइड पे लिख रही हैं, बोर्ड नहीं नजर आ रहा। मैम ये फ्रंट से रेस कर दें। जी सेल्स जो है आप नजर आ रहा मैम, थोड़ा सा नीचे लिखें या फिर कैमरा ऊपर कर, बस गुजारा हो जाएगा मैम। यस मैम, जो आपने हेडिंग लिखी है वो बता दें, गुजारा हो जाएगा। मैम प्लीज नेक्स्ट क्लास में स्लाइड्स यूज कर लें। स्लाइड्स का आज कंप्लीट इशू है क्योंकि वो दूसरा मेरे रूप था उसके अंदर स्लाइड्स नहीं ले रहा था वो, क्योंकि पावर पॉइंट पर बनी हुई है तो उन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है, तो यहाँ भी वो स्लाइड्स टाइपिंग नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने मैंने कहा कि लेक्चर तो जा रहा है तो एटलीस्ट आपको कुछ पैसे पे आपको मेल कर दूंगी और लेक्चर भी नेक्स्ट टाइम जब आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, अगर कुछ ना समझ आए, कोई कंफ्यूजन रही तो फिर मैं वो आपकी इंशाल्लाह क्लियर कर दूंगी। जी सेल जो ये गैस्ट्रीन प्रोड्यूस करते हैं, जो गैस्ट्रीन है ये भी हेल्प आउट करता है एचसीएल की प्रोडक्शन में, पॉजिटिव इफेक्ट होता है इसका एचसीएल के। जो पेराइटल सेल्स है स्टमक के, ये भी एचसीएल प्रोडक्शन कर रहे हैं। और तीसरा जो चीफ सेल्स है ये पेप्सिनोजेन बनाते हैं, जो कि एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन बनाता है। पेप्सिन जो है ये भी एसिडिक एनवायरनमेंट करता है, ये पेप्सिन प्रोडक्शन करता है। तो सारे जो इंकरेज कर रहे हैं सिर्फ आपका प्रोस्टाग्लैंडिन है जो फिर डिस्करेज करता है एसिडिक प्रोडक्शन ही होने देता। इसका बीच जो है वो भी पेराइटल सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, वो भी इंकरेज करते हैं एसिडिक की प्रोडक्शन को। तो ये जो ड्रग्स है बेसिकली जी आई टी ड्रग्स है जो कि जी आई टी में एसिडिक एनवायरमेंट को स्टमक में कम करती है। अच्छा अब इसका जो सबसे पहले एच टू रिसेप्टर ब्लॉकर्स, इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आ जाती है? इसमें सिबिटोनीड आ जाती है, रेडिक्टोनीड आ जाती है, फॉर्माटिडाइड आ जाती है और डेज़र्टेनीड आ जाती है। ये ड्रग्स के नाम है। ठीक है मैम, क्या हेडिंग दी आपने? ऊपर नजर नहीं आ रहा। नहीं नजर आ रहा मैम। अब आ रहे? नो मैम, नीचे हो गया। नहीं शेयर हो रहा। आपको बोर्ड वगैरह नजर आ रहा है कुछ? यस मैम, लेकिन मैम क्लियर नहीं है। आप नजर आ रहे हैं मैम? ये H2 रिसेप्टर की टाइप है, टाइडेंस। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स उसकी एग्जांपल्स है। ये ड्रग्स आएगी जिसमें टाइडेंस लिखा होता है, जैसे सिबिटोनीड्स होती है,
और रेरिटाइडिन्स होती है, ये सारी ड्रग्स है, ये मैं आपको लिख देती हूँ। पहले जो बड़ी इसकी ड्रग है वो सिबिटाइडिन है। अच्छा, इसमें ये एग्जांपल दे रही है, ठीक है। इसमें ये जो सिबिटालीन है, रेरिटाइडिन है और कोबेटालीन है, ये सारी चीज है इनका लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है। इसलिए जो अगर हेपेटिक डिसफंक्शन है तो उसमें ये ड्रग्स नहीं देते। दोबारा लेक्चर लूंगी, मैं उससे भी डिस्कस कर लेते हैं, अगर बस 10 मिनट क्योंकि ये नहीं चल रहा है। चलो बस, अब तो टाइम क्यों हो रहा है, लेक्चर का टाइम तो खत्म हो गया। अच्छा, इनकी कॉन्ट्राइंडिकेशन ये है, ये ड्रग्स जो है ये उसमें एलर्जिक पेशेंट्स को नहीं देते जिनको नोन एलर्जी है, किसी एलर्जी हो जाएगी। दूसरा प्रेगनेंसी में ही नहीं देते क्योंकि ये प्लेसेंटा वो पास कर देते हैं, फीटस तक जाता है। और तीसरा लैक्टेटिक मदर्स को ये नहीं देते ड्रग्स क्योंकि मिल्क में आ जाता है। ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है। उसके अलावा मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही? यस मैम, बहुत स्लो है। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन एलर्जी, एलर्जी भी नहीं देते, प्रेगनेंसी भी नहीं देते क्योंकि प्लेसेंटा को पास कर जाता है, और लैक्टेटिक मदर्स है तो उनको नहीं देते ये। सिर्फ ये जो एक ड्रग बताई है, फोर्थ वन निज़ेरटेडिन, ये जो है ये अगर हिपेटिक डिसफंक्शन है किसी में तो उसमें हम दे सकते हैं क्योंकि इसका लिवर के थ्रू मेटाबॉलिज्म नहीं होता। बाकी सारी ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज होगी लिवर के थ्रू। अच्छा, अब अगर कोई ऐसी ड्रग्स आप दे रहे हैं जैसे एंटीकोएगुलेंट्स दे रहे हैं, कोई फिडोटॉइड, एंटी डिप्रेसेंट्स, कोई ऐसी ड्रग्स ले रहा है तो ये ड्रग्स जो है उनके साथ इंटरेक्शन होगा, इन ड्रग्स का उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर देगी या वो इफेक्ट करेगी उसकी इफेक्टिवनेस को। ये सेफ ड्रग्स है इसके लिए, इनके इसी वजह से इनको ना इनके लिए हमें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होती जब ये ड्रग्स लेते हैं, जैसे ब्रूफीन वगैरह होती है, पैरासीटामोल होती है, वो सेफ ड्रग्स है, उनके लिए कोई प्रिकॉशन प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए होता डॉक्टर का, इसलिए ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर ड्रग्स। मेडिसिन दैट आर सेफ और जिनको हम ले सकते हैं वो ओटीसी कहते हैं, ओवर द काउंटर। तो ये ड्रग्स जो ओवर द काउंटर है। बाकी इसके अंदर एंट एसिड्स का भी मैंने बताया था कि एंट एसिड्स जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एंट एसिड्स ड्रग्स जो है ये वीक बेसिस है जो न्यूट्रलाइज कर रही है, एसिड को अफेक्ट नहीं कर रही उसकी प्रोडक्शन को, लेकिन जब एसिड आ रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करती जा रही है। लेकिन इसका एडवर्स इफेक्ट ये कि इसके अगर हम भी ज्यादा दे देंगे एट एसिड ड्रग्स जो वीक बेसिस थी, तो ये ब्लड के अंदर एल्कलोसिस कर देगा, यानी वहां पे इसके बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दूसरा ये कि इसमें जो होता है ना रिबाउंडिंग एसिड डोसिस हो जाता है, यानी जब इसका हमने एक दफा ड्रग दी एसिड, जब इसको डिसकॉन्टिन्यू करेंगे तो ये दोबारा से जो है वो एसिडिटी होना शुरू हो जाती है, स्टमक के अंदर एसिडिक एनवायरनमेंट फिर से बढ़ जाएगी। अभी मैं आपको बस इतना ही बता देती हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मैं स्लाइड्स इसकी लगा के तो फिर एक दफा दोबारा से समराइज कर लेंगे इसको भी। कोई क्वेश्चन, कोई
कंफ्यूजन वो भी क्योंकि नजर भी कुछ नहीं आ रहा, मैं भी उनसे कहती हूँ कि एक दफा दोबारा इसको और करे सिस्टम को जरा टेक्स्ट टाइम करा फिर। वैसे मैं आपको लेक्चर ये भेज दूंगी थोड़ा सा जो पढ़ाया है अपना। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी मैम आप हमें लेक्चर सेंड कर दीजिएगा फिर हम रीड करके फिर कोई क्वेरी होगी तो आपसे पूछ लेंगे। हाँ आप कर लीजिएगा और नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से रिपीट कर लेंगे चीजें, ठीक है? यस मैम। ओके मैम। थैंक यू सो मच, सॉरी फॉर योर, आप लोगों ने वेट किया थी देर पर नहीं हुआ थी मैम, नॉट आउट नहीं हुआ आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम। अल्लाह हाफिज मैम।